फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 Plus Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में आने वाली ऐड को कैसे बंद कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन में आने वाली एड्स को अपना बंद कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको सबसे पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू कर लेना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग के इस पेज में आपको ना नीचे आना है। नीचे की साइड आपको ये ऑप्शन मिल जाता है गूगल का, गूगल पे आपको टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है ना ये पेज आता है गूगल का, इसमें आपको ऑप्शन है मैनेज योर गूगल अकाउंट। मैनेज योर गूगल अकाउंट पे आपको टैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगला पेज आता है ये वाला। इस पेज में देखिए नीचे लाइन होती है, इस लाइन को अपना उंगली से दबा के आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस लाइन में आपको ये ऑप्शन मिलता है डेटा एंड प्राइवेसी का, डेटा एंड प्राइवेसी पे टैप करना है। तो आपका इस तरीके से पेज आता है। इस पेज में आपको ना नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। तो नीचे की तरफ आपको ये लिखा हुआ मिलता है पर्सनलाइज एड्स। पर्सनलाइज एड के ठीक नीचे आपको ये माई एड सेंटर, माई एड सेंटर पे टैप करना है। तो आपका यहाँ पर एक पेज आएगा, ठीक है ना। देखिए आपको इस वाले पेज में ना ये ऑप्शन दिखाई देता है पर्सनलाइज एड के सामने ऑन, ठीक है। तो ये सेटिंग हमारी ऑन रहती है जिसके कारण हमारे फोन में एड आती रहती है, ठीक है। तो आपको करना यह है कि आपका जो ऑन का बटन है ना, ऑन के इस बटन पर आपको टैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक पेज आता है ये वाला। इस पेज में आपको ना सबसे नीचे की साइड ये टर्न ऑफ का बटन टैप करना है। अब यहां पर आपका जो है ना एक और पेज आएगा, ठीक है ना, ये वाला। इस वाले पेज में आपको नीचे गॉट इट का ये ऑप्शन जरूर टैप करना है। तो आपका ये देखिए पर्सनलाइज ऐड के सामने ऑफ लिखा हुआ आ जाता है। तो इस तरीके से आप ये सेटिंग बंद कर देंगे ना, तो आपके मोबाइल फोन पे ऐड जो है आना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन पे आने वाली एड्स को अपना बंद कर सकते हैं, ठीक है।